विश्व टेबल टेनिस दिवस के मौके पर पूरे देश में कई आयोजन किए गए। इसी के तहत राजस्थान वेटरन टेबल टेनिस कमेटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की, तो वहीं सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी और अजमेर उप महापौर नीरज जैन और फेडरेशन ऑफ इंडिया टेबल टेनिस सीईओ धनराज चौधरी भी मौजूद रहे। इस स्टैच्यू सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में 5 साल से लेकर 90 साल तक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि टेबल टेनिस ऐसा खेल है जिसमें शरीर के हर हिस्से की कसरत होती है, ऐसे में ये खेल सबसे ज्यादा देशों और सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है। बच्चों का बीता हुआ वक्त, बीता हुआ बचपन वापस नहीं आएगा। मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को बचपन जीने दो, और बचपन जीने दोगे तो बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा। बेवजह प्रेशर बिल्डअप मत करो। फर्स्ट से 8th तक बच्चे को खुला वातावरण चाहिए, उसको खेलने दीजिए, हंसने दीजिए, बोलने दीजिए, दौड़ने दीजिए। क्योंकि आप ये मानकर चलिए, नया डेवलपमेंट हुआ, आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेकर जो प्रेशर बिल्डअप करते हैं, बच्चा अपना फ्यूचर 8th तक आते आते अपने आप तय कर लेता है मुझे किस फील्ड में आगे मिलना है। वर्ल्ड टेबल टेनिस डे के दिन सबको तय कर लेना चाहिए, बच्चे ग्राउंड में उतरे तो साथ में उतरिए, लेकिन उसको दौड़ने दीजिए, भागने दीजिए। वर्ल्ड टेबल टेनिस डे पर मैं पूरे दुनिया के सभी खिलाड़ियों को और विश्व में सबसे ज़्यादा खेल खेलने वाला खेल टेबल टेनिस के प्लेयर्स को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और राजस्थान से जो इंडिया को जो फेडरेशन के जो हेड हैं धनराज जी और ललित जी और इनकी अजय जी, इनकी पूरी टीम को आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जयपुर के हृदय स्थल यहाँ पर आज स्टैचू सर्किल पर ये पूरा लाइव यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और कर रहे हैं, इससे कहते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाना। ये कोविड के काल में जयपुर का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने का भी आपने काम किया है, मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। विदित है कि टेबल टेनिस एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है और इसमें 234 कंट्री एफिलेट है, और अमूमतः ये खेल हर वर्ग में खेला जा रहा है और बहुत इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसके अंदर बच्चे भी खेल सकते हैं, युवा भी खेल सकते हैं, ओल्ड आदमी भी खेल सकते हैं, और जो हमारे पैरा प्लेयर्स हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।